वैसे तो कड़ी पत्ते के पौधे को ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि आम तौर पर कड़ी पत्ते का पौधा सिर्फ खाद और पानी से ही बड़ा किया जा सकता है, अच्छी ग्रोथ ली जा सकती है। लेकिन आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि कड़ी पत्ते के जो पत्ते हैं उन्हें कैसे आप चमकदार बना सकते हो, पौधे को फंगस फ्री कैसे रख सकते हैं, बरसात में किस तरीके से केयर करनी चाहिए, और आने वाले समय में जब सर्दियों में कड़ी पत्ते का पौधा बेजान सा दिखना शुरू हो जाएगा तो किस तैयारी को पहले से कर लेना चाहिए। कड़ी पत्ता एक ऐसा पौधा है जिसे आप अपने घर में ज़रूर स्थान दीजिए। इसकी औषधीय मेडिसिनल वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं। कड़ी पत्ते को आप खाने में इस्तेमाल कर सकते हैं, कई सारी बीमारियों से छुटकारा देता है, अपने बालों पर इस्तेमाल कर सकते हैं, हेयर मास्क की तरह ये काफ़ी फायदा करता है। अब ज़रूरी बात यह है कि कड़ी पत्ते के पौधे को लगाने के बाद नर्सरी से लाकर जब आप घर में लगाते हैं तो कई बार मैंने देखा है कि पौधा सूखने लगता है। ऐसा क्यों होता है ये जानना ज़रूरी है। देखिए, दो कंडीशन हो सकता है, या तो आप पौधा जो लेकर आ रहे हैं वो बेजान सा है और छोटा है और आपने उसे बड़े कंटेनर में लगा दिया और लगाते ही धूप में बाहर रख दिया। जैसे मेरा ये जो कड़ी पत्ता है ये आपको दिख रहा है, ये कितना पतला है और अब ये धीरे धीरे घना होने लगा है। इसे यदि मैं 8-10 घंटे के धूप में रखूंगी तो ये पौधा सर्वाइव नहीं कर पाएगा। इसको 8 इंच से बड़े कंटेनर में रखूंगी तब भी ये पौधा सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो बेस्ट तरीका क्या है कि पौधे के हाइट के अकॉर्डिंग ही पॉट साइज़ का चुनाव कीजिए। देखिए, मैंने इसमें हाफ मिट्टी भरा है। अब एक चीज़ जानना ज़रूरी है, यदि 8 इंच के कंटेनर में आप अपना पौधा लगा रहे हैं तो नीचे से 4 इंच मिट्टी भरने के बाद आप पौधे को प्लांट कीजिए और तब ऊपर से मिट्टी भरिए। बहुत नीचे या बहुत ऊपर यदि पौधे को प्लांट कर देते हैं तो हवा के तेज़ बहाव से जड़ें हिलती हैं। जितनी बार जड़ें हिलती हैं आपका पौधा सूखने लगता है। तो रूट्स के पास एयर बबल्स ना हो इस बात का ध्यान देना ज़रूरी है। तो इसके लिए सबसे बेस्ट तरीका यह है कि जब आप अपने पौधे को जिस गमले में प्लांट कर रहे हैं उसे अच्छे से दबा करके प्रेस करें ताकि एयर बबल अच्छे से निकल जाए, और जब फर्स्ट डे जिस दिन आप पौधा लगा रहे हैं उस दिन अच्छे से वाटरिंग कर दीजिए ताकि मिट्टी अच्छे से गमले में बैठ जाए। उसके बाद ये ध्यान रखना ज़रूरी है कि 2-3 दिन आप पौधे को शेड में रखेंगे, उसके बाद धूप में रखेंगे। यदि बरसात में आपका पौधा इस तरीके से येलो लीव्स निकाल रहा है या पहले के जो लीव्स हैं जो येलोइश हो रहे हैं तो उन्हें काट के हटाइए, यानी कि रूट्स के पास से 2 इंच तक पौधे को एकदम क्लीन रखिए। इससे एयर सर्कुलेशन अच्छे से होगा, गमले की मिट्टी सूखेगी। यदि आपका पौधा पुराना है यानी कि 2-3 स्टेम्स निकल गई हैं तो आप पूरे दिन के सनलाइट में रख सकते हैं, लेकिन ऐसे पतली सी डंडी है तो सिर्फ सुबह की धूप दीजिए और मिट्टी को सिर्फ मॉइस्ट रखिए, कभी भी ओवर वाटर ना करें। यदि आप अभी न्यू पौधा लगा रहे हैं और सॉइल मीडिया तैयार कर रहे हैं तो ये बात ध्यान रखें कि 40% गार्डन सॉइल में 40% आप सैंड और 20% कंपोस्ट जरूर मिला लें, क्योंकि रेतीली मिट्टी ज़्यादा चाहिए कड़ी पत्ते को ग्रो करने के लिए। जो पॉट साइज़ है वो 8 से लेकर के 15 इंच तक आप रख सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि जब हम ये पत्तियाँ ले लेते हैं तो इसकी एक स्टिक सी हम उसमें ही छोड़ देते हैं, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। हमेशा कैंची से काट करके ही आप उस स्टिक को निकाल दीजिए। पत्तियाँ लेकर स्टिक यदि आप उसमें ही छोड़ देंगे तो वो स्टिक धीरे धीरे सूखने लगती है और फंगस वहाँ से बनना शुरू होता है। देखिए, कुछ इस तरीके से दबाना ज़रूरी है। आज यहाँ हवा बहुत ही तेज़ थी तो पौधा जो है बिना स्टिक के है और लंबा बहुत हो गया है, इसलिए ये बिल्कुल हिल गया। तो इस बात का आप ध्यान रखें कि या तो पौधा लंबा हो गया है तो किसी सहारे से स्टिक से बांध दें, नहीं तो आप इसके एयर बबल को इस तरीके से दबाकर निकालेंगे। कड़ी पत्ते के पौधे में यदि कीड़े लग गए हैं तो आप 1 चम्मच नीम ऑयल को स्प्रे कर सकते हैं 1 लीटर पानी में डाल करके 3-4 दिनों के गैप पर, या फिर आप ये कर सकते हैं कि 1 चम्मच शैम्पू ले लीजिए और उसे 1 लीटर पानी में डाल करके आप अच्छे से स्प्रे कर दीजिए। दूसरा तरीका है कटाई छटाई, जिससे पौधा घना भी होता है और स्वस्थ भी होता है। तो नीचे से जैसे बताया पत्तियों को क्लीन रखिए और ऊपर से आप
एक इंच तक अभी बरसात में कट कर सकते हैं, यानी कि सॉफ्ट ट्रिमिंग करेंगे तो वहाँ से नई पत्तियाँ निकलेंगी और पौधा आपका धीरे धीरे घना होगा। साथ ही साथ पौधे की जो स्ट्रेंथ है वह उसके लंबाई पर लगेगी, यानी कि उसको घना बनाने में लगेगा। यदि पौधा बहुत लंबा हो गया है तो वो धीरे धीरे बेजान होता है, तो पौधे को एक शेप में रखना बहुत ही ज़रूरी होता है। इसके बाद जो ज़रूरी खाद है जो 3 महीने पर आपको रिपीट करना है, ये है स्टोन डस्ट। कैल्शियम का कोई भी स्रोत आप ले सकते हैं। इससे स्टेम को मोटा बनाने और पत्तियों को चमकदार और बड़ा दिखाने में लेने में मदद मिलता है। स्टोन डस्ट आसानी से आपको नर्सरी पर मिल जाएगा। कई बार आपको बताया है कैल्शियम की गोलियां भी इस जगह पे आप ले सकते हैं। तो 10 से 12 इंच का कंटेनर है तो 2 चम्मच भर के ये आपको 3 महीने पर एक बार गमले में डाल देना है। आप चाहें तो पानी में घोल करके भी डाल सकते हैं। वर्मी कंपोस्ट यदि आपने नहीं डाला है तो फिर वर्मी कंपोस्ट डालिए और 1 चम्मच नीम की खली डालिए, यानी 1 चम्मच वर्मी कंपोस्ट जो नॉर्मल जो स्पून होता है उससे, और 1 चम्मच आप नीम खली डालिए। नीम खली इसलिए डालना ज़रूरी है ताकि रूट्स का विकास भी हो सके और फंगस फ्री हो सके पौधा। आप ये कर सकते हैं कि बिल्कुल न्यू पौधा है तो ऊपर से हल्की हल्की पिंचिंग करते जाएं, तो पिंचिंग करने से वहाँ से नई शूट्स निकलेंगी जैसे दूसरे पौधे में मैं आपको दिखा रही हूँ। अब ये जो खाद है ये सबसे बेस्ट खाद मुझे लगता है कड़ी पत्ते के लिए, ये है उपले। 1 या 2 या आधे उपले को आप 1 लीटर पानी में रात को भिगो दीजिए और अगले दिन उसके पानी को यूज़ कर लीजिए। ये वीकली कर सकते हैं आप, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। ये जैविक खाद है लेकिन NPK का एक बहुत अच्छा स्रोत है जो आपके कढ़ी पत्ते के पौधे को घना बनाने के साथ साथ स्वस्थ भी रखेगा। इसमें पर्याप्त मात्रा में नाइट्रोजन, पोटेशियम और कैल्शियम है जो कढ़ी पत्ते के पौधे के लिए बहुत ही ज़रूरी है। कढ़ी पत्ते के पौधे में वैसे तो डेली वाटरिंग करना है लेकिन मिट्टी को चेक करके ही पानी दें। मिट्टी ऊपर से थोड़ी सी ड्राई दिखे उसके बाद पानी दें और आप इसे धूप में रख सकते हैं। 5, 6, 7 घंटे के धूप में बहुत अच्छे से ये पौधा सर्वाइव करेगा। सिर्फ इस पे फंगस का ध्यान रखना है कि किसी प्रकार का फंगस ना लगे। यदि आप 3 महीने के बजाय 4 से 5 महीने में भी खाद देंगे तब भी ये पौधा बहुत अच्छे से ग्रो होता रहेगा। लेकिन खाद से भी ज़्यादा ज़रूरी जो चीज़ें हैं वो है पानी और फंगस और धूप, 3 चीज़ों का ध्यान रखना। कड़ी पत्ते के पौधे को यदि ज़मीन में लगा रखा है आपने तो यही पानी और इसी स्टोन डस्ट नीम खली का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन पौधे के चारों तरफ गुड़ाई कर दीजिए और गुड़ाई करने के बाद आप इसका इस्तेमाल कीजिए। आप यदि एप्सम सॉल्ट का इस्तेमाल करते हैं तो 1 चम्मच एप्सम सॉल्ट को पानी में भिगो करके आप स्प्रे कर सकते हैं, लेकिन ये ऑप्शनल है क्योंकि जो खाद हमने दिया है अभी उपले वाला इसमें पर्याप्त मात्रा में नाइट्रोजन है जो पत्तियों को लेने में और फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में मदद करता है। देखिए मेरे ये छोटे से गमले में लीव्स कितनी अच्छी निकल करके आई हैं। ये जो लीव्स हम ले लेते हैं और इसके स्टिक को इसमें छोड़ देते हैं, इसके स्टिक को आप कट कर दें। कढ़ी पत्ते के पौधे पर कटाई छटाई करने से कीटों से भी सुरक्षा होती है और पौधा मजबूत भी होता है। इस तरीके से आप अपने कढ़ी पत्ते के पौधे को घना बना सकते हैं। मुझे उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए और इसे रिलेटेड कोई भी क्वेरी है आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, मैं जितनी जल्दी हो सकता है आंसर देने की कोशिश करूँगी। धन्यवाद।